तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आप लोग फेसबुक पर लाइव कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर फ्री फायर या विजमाई ये देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास एकदम नॉर्मल मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल में हम क्या करने वाले हैं, जो कि लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं फेसबुक पर। अगर आप लोग यूट्यूब पर भी कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आप लोग फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। और वहाँ से देखिए, इस समय काफ़ी लोग पैसे भी कमा रहे हैं फेसबुक से, सिर्फ यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करके, ठीक है। सेम वही तरीका मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस समय यार मतलब जो जो भी यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं फेसबुक में। अगर आप लोग भी सीख जाते हैं, आप लोग भी करते हैं, अगर आप लोग नॉर्मल ऐसे ही फालतू गेम खेलते रहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग खेलिए, लेकिन आप लोग फेसबुक को लाइव स्ट्रीम करिए, ठीक है। उसमें आप लोगों को प्रॉफिट भी रहेगा, कुछ ना कुछ आप लोगों का फॉलोअर्स भी बढ़ता रहेगा, कुछ ना आप लोगों का अचीवमेंट तो भाई होता ही रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो में आपको जो बता रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को उससे ध्यान से देखना, आप लोग भी अपना लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग को लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस चाहिए। हमने इस पर दो ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी लोगों का कमेंट आया था, मतलब कि आप एक खुद करके दिखाओ, ठीक है। उसमें हम आपको तरीके बताए थे, लेकिन इस आज मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूं। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, एकदम शुरू से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से पर जाना है, यहां से आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है, आप लोग यहाँ पर आके देख लीजिएगा, एजे क्रिएटर, ठीक है। अब यहाँ पर एजे क्रिएटर हम जैसे ही सर्च करेंगे और यहाँ पर वो आ जाएगा एप्लीकेशन। आप लोगों को क्या करना है, उस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए मैं उसे सर्च करता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपके सामने लाता हूँ। तो अगर आप लोग देखेंगे, यही वाला एप्लीकेशन है, ये देखिए एप्लीकेशन। वैसे तो काफ़ी एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे, हम यहाँ पे बैक करेंगे तो देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को यही वाला सजेस्ट करेंगे। इसमें आप लोग करेगा, इस पर देखेंगे 50 मिलियन डाउनलोड है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे क्या करते हैं, डाउनलोड पर मतलब क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इसे डाउनलोड होने देते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एकदम बताने वाले हैं, तो डाउनलोड एकदम पूरा A to Z सेटिंग बताएंगे। थोड़ा आप लोगों का समय लगेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसे डाउनलोड होने देते हैं, फिर आप लोगों को आगे बताते हैं कि अब आगे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये वाला एप्लीकेशन मेरे में डाउनलोड हो चुका है। इस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे। एकदम शुरू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी लंबा हो जाएगा तो आप लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि यार आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। अब यहाँ देखिए, आप लोगों को अलाउ कर देना है, तो यहाँ पर अलाउ कर देंगे। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ परमिशन दे देना है अपने मोबाइल में, जो कि परमिशन मांगता है, ज़रूरी है। अब यार पीछे यार स्क्रीन पर थोड़ा आप लोगों को लाइट देखने को मिल रहा है, तो हम थोड़ा अपना सेटअप सबसे पहले इधर से उधर करते हैं। तो यार भाई लाइट ही घट गया, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप लोग यहाँ पे अलाव अलाव करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाकर हम बताते हैं आप लोगों को कौन सा सेटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए रेजोल्यूशन में आप लोगों को 1080 कर देना है। इसके बाद वीडियो क्वालिटी में आप लोगों को यहाँ पर जो कि ऑटो रिकमेंडेड पर यह सही है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑडियो, जो कि ऑडियो सोर्स में आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे जो कि लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ अपने मोबाइल के साउंड से, तो आप लोग इंटरनल ऑडियो कर दीजिएगा, ठीक है। हम इसे ही रहने देते हैं, क्योंकि सिर्फ हम मेरा आवाज़ नहीं चाहिए, ओनली गेम का आवाज़ चाहिए, हम इसे कर देंगे। इसके बाद अगर आप लोग अपना आवाज़ यहाँ पे देना चाहते हैं, गेम का दोनों का आवाज़ देना चाहते हैं, तो आप लोग इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन कर लेना, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं डिफ़ॉल्ट मोड, यूज मैजिक बटन, ठीक है, अब सही है इतना तो बस, हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं इतना सही है। अब यहाँ पर आप लोग जिसमें भी, अगर आप लोग फ्री फायर खेलना चाहते हैं उसे ओपन कर लेना, और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलना चाहते हैं उसे, जैसे कि मैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलना चाहता हूँ, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए ये मेरा गेम स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि आप लोग इसमें लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मेरा ये गेम स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट होने देते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। अभी कम से कम 30 सेकेंड लगेगा स्टार्ट होने में, हम वीडियो को स्किप करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, लाइव स्ट्रीम करने के लिए आप लोगों को यहाँ देखिए एक ऑप्शन ये वाला देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को किस पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, आप लोगों को यहाँ पे सबसे नीचे देखिए लाइव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद अगर आप लोग यूट्यूब पर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है, अगर आप लोग फेसबुक पर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देना है। तो हम चलिए फेसबुक पर करना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ देखिए एक मिल जाएगा अपग्रेड टू प्रो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा बैक करते हैं, वॉच टू अनलॉक एड्स, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक ऐड देख लेना है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से एक ऐड दे देख ले। तो भाई लाइट भी आ गई, हमने ऐड भी देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फेसबुक पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और देखिए, पहले यार ऐड वैड की सिस्टम नहीं थी, लगता है नया आ चुका है, तो इसके वजह से आप लोगों को ऐड देखना पड़ रहा है। अगर बार बार ऐड मांग रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना, ठीक है। दूसरा कोई एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा। अब यहाँ देखिए वॉच टू एड्स फिर अनलॉक करने के लिए आ गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरा ऐड यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसे कट कर देते हैं यहाँ से।
फिर इसके बाद कुछ यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे लोडिंग लेगा वही, जो कि फेसबुक आपका ओपन होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यू मतलब बोल रहा है जो भी मेरे फेसबुक में अकाउंट है वो बोल रहा है कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे फेसबुक नहीं चालू किए हैं तो आप लोगों को चालू कर लेना होगा। कंटिन्यू का ऑप्शन अगर आ रहा है तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के यहाँ पर मतलब कि अकाउंट आपका हो जाएगा। और यहाँ पे पूछेगा कि आप लोग यहाँ पे फ्रेंड में दिखाना चाहते हैं पब्लिक, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके पब्लिक कर देंगे, ठीक है। पब्लिक अगर आप करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा रीच मिलेगा, इसलिए आप लोगों को पब्लिक करके रखना है। इसके बाद आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्या होगा, फिर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के यहाँ पर पूछा जाएगा माई लाइव स्ट्रीम एज ए रिकॉर्डर, तो हाँ अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ब्रोकास्ट नहीं ओनली मी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट लाइव पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ देखिए स्टार्ट नाउ पर हम जैसे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद मेरा देख सकते हैं फेसबुक पर लाइव होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी अगर देखेंगे जीरो कमेंट है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे जीरो कमेंट आ रहा है। और देखते हैं आपके फेसबुक में, यहाँ देख सकते हैं 12 सेकेंड हो गया लाइव स्ट्रीम करते हुए। अब यहाँ पर हम कट करते हैं, फिर इसके बाद मैं अपने गेम में चला जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा गेम भी आ चुका है, आप लोग इसे यहाँ से हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर हटाने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा जो कि लाइव स्ट्रीम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हाँ अगर आप लोग शुरू में करेंगे थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर वो दिक्कत देखने को मिलेगा, मतलब कि यही कि थोड़ा हैंग वैंग का दिक्कत आएगा, ठीक है। अब जैसे अगर देखेंगे तो ये मेरा यहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं 27 सेकंड हो चुका है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे लाइव स्ट्रीम वास स्टॉप, मतलब कि यहाँ पहले चालू था अब यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। अगर आप लोग फिर से चालू करना चाहते हैं लाइव पर क्लिक करेंगे, फेसबुक पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को ऐड देखेंगे, फिर आपका लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगा। यहाँ पर ऐड का जो कि दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको क्या करिएगा आप लोग यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। डिलीट करके कोई अगर आप लोगों को अच्छा एप्लीकेशन लगे तो वो वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें यार ऐड का प्रॉब्लम आ रहा है, हमें नहीं मालूम था ऐड का प्रॉब्लम आएगा। बाकी चलिए हम इसे कट कर देते हैं। अगर आप लोगों को और कोई एप्लीकेशन मिलता है तो हम अपने इस जो कि टेलीग्राम पे सेंड करने ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो आप लोगों को पता चल चुका कि लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं फेसबुक में, कोई भी अगर आप लोग गेम खेलते हैं तो आप लोग ऐसे ही लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो चलिए आज की इसमें बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।